हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस स्वीट डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 लीटर फुल क्रीम दूध। इसी में से मैंने थोड़ा सा दूध एक कटोरी में अलग निकाल लिया है। अब मैंने यहाँ पर गैस भी ऑन कर दिया है। अब इस दूध को हमें अच्छी तरह से बॉईल करना है। ये देखिए, हमारा दूध अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, मतलब ये क्वांटिटी में थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ापन ले लेना चाहिए। जैसे हमारा दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, हम इसके अंदर डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पर मैंने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है, आप जो चाहें वो फ्लेवर ले सकते हैं। अब हमें कस्टर्ड पाउडर सिर्फ 2 चम्मच ही लेना है, 2 छोटी चम्मच फुल भर के लेना है हमें। जो हमने कटोरी में अलग से दूध निकाला था उसी के अंदर हम 2 चम्मच फुल भर के कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे। अब कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद हमें इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। इसमें किसी तरह के कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, इसीलिए हम इसे बाहर ही मिक्स कर रहे हैं। हम चाहे तो इसे डायरेक्ट कढ़ाई के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन गर्म दूध के अंदर इसे डायरेक्ट डालेंगे तो हमारे दूध में बहुत लम्स पड़ सकते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छे से मिक्स नहीं होगा। ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ये बिल्कुल रेडी है। अब आप देख सकते हैं हमारा दूध भी बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो गया है, ये और भी गाढ़ा हो गया, पहले से काफ़ी ठीक हो गया है, क्वांटिटी में भी लगभग आधा हो चुका है। अब हम जल्दी से इसके अंदर डाल देंगे ये कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए रहना है, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद ये बहुत जल्दी नीचे तले में चिपकने लगेगा। आप इसे कंटिन्यूसली मीडियम टू हाई फ्लेम पर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पकाते रहें। ये देखिए, इस तरह से हमें कंटिन्यू इसे चलाते हुए जाना है। 2 से 3 मिनट बाद ही आप देखेंगे कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद कि ये और भी ज़्यादा थिक हो गया है, बहुत जल्दी इसमें थिकनेस आ जाएगी। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी। यहाँ पर मैंने 9 चम्मच चीनी ली है, अभी जो मैंने आपको चम्मच बताई थी छोटी चम्मच नाश्ते वाली वही। अब चीनी डालने के बाद भी हमें इसे कंटिन्यू चलाना है मुश्किल से 2 से 3 मिनट और। ये देखिए, मैं इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर बॉईल कर रही हूँ, आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। बस अब हम इसके अंदर डाल देंगे जल्दी से 2 इलायची पाउडर, या फिर कह सकते हैं 1/3 चम्मच इलायची पाउडर, साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में काजू बादाम और पिस्ता ले रही हूँ। अब मुश्किल से 2 मिनट और हमें इसे पकाना है। मैंने यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स गार्निशिंग के लिए रख दिए हैं। हमारी रबड़ी की थिकनेस आप देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे और नहीं पकाएंगे, अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक दूसरा पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने 8 ब्रेड ली है और इसके एजेस को अलग कर लिया है। अब हम पैन को ऑयल, घी, बटर, जो भी आपकी चॉइस हो, जो भी आपको पसंद हो, उसे ग्रीस करेंगे। मैं यहाँ पर तवे को ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। ऑयल से ग्रीस करने के बाद हमें इस पर इस तरह से ब्रेड को ड्राई रोस्ट करना है, दोनों साइड से अलट पलट करते हुए। हमें इस टाइम पर गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम ना करें, वरना ये जल जाएगी और क्रिस्पी नहीं होगी, इस बात का खास ध्यान रखें। ये देखिए, एक तरफ से ये थोड़ी सी रोस्ट हो चुकी है, अब मैंने इसको पलट दिया है। अब दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से इसे रोस्ट करना है। ये देखिए, हमारी ब्रेड बिल्कुल रेडी है, ये रोस्ट हो चुकी है। अब बाकी 4 ब्रेड को भी हम सेम इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। मैंने सारी ब्रेड को रोस्ट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक ट्रे ली है, ट्रे के हम अंदर हमें सबसे पहले 1 लेयर 4 ब्रेड की लगानी होगी। इस तरह से मैंने 4 ब्रेड इसके ऊपर सिंपली रख दिए। ट्रे को किसी भी चीज़ से ग्रीस नहीं करना होता है इस टाइम पर। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे गर्मा गर्म ये रबड़ी, हमें इसे ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना है। रबड़ी बनते से ही हमें इसके ऊपर जल्दी से डाल देना है। अगर ये ठंडी हो जाएगी तो ये ब्रेड जो है इस रबड़ी को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे, इससे कि इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। हमें इस मिक्सचर को अच्छी क्वांटिटी में भर के इन ब्रेड्स के ऊपर डालना पड़ेगा,
वो भी गर्मा गर्म ही, तभी हमारे ब्रेड जो है इस मिक्सचर को अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर पाएंगे और हमारी स्वीट जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छी तरह से चारों तरफ स्प्रेड कर लें। अब हमें दूसरी लेयर लगानी है ब्रेड्स की। अब हम सेम उसी तरह से वापस चार ब्रेड इसके ऊपर रखेंगे, सेकेंड लेयर तैयार करेंगे। अब इसके ऊपर भी हमें अच्छी तरह से अच्छी क्वांटिटी में इस रबड़ी को स्प्रेड करना है। अगर रबड़ी बच भी जाए तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, वो रबड़ी हमारी इसी स्वीट में काम आएगी। आप उसे एक बोल में किसी भी चीज़ में लेकर फ्रीज में रख दें और जब भी आप इस डिश को सर्व करें तब उसी टाइम पर आप उस चिल्ड रबड़ी को इस स्वीट के ऊपर डालकर फिर सर्व करें, ये और भी ज़्यादा टेस्टी यम्मी लगेगी। देखिए मैं इसको इस तरह से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर रही हूँ। आपकी जो चॉइस, आप उन ड्राई फ्रूट से इस स्वीट को गार्निश कर सकते हैं। वैसे मैंने इसमें अच्छी क्वांटिटी में मिक्सचर को डाला है, लेकिन इसके बाद भी थोड़ी और रबड़ी बच गई है, उसे मैंने एक ग्लास में लेकर रख लिया है। आप देख सकते हैं हमारी स्वीट जो है बिल्कुल रेडी है फ्रिज में जाने के लिए। अब हम इसे घंटे भर के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। ये देखिए एक घंटा हो चुका है और हमारी डिश जो है बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये कितनी यम्मी, कितनी टेस्टी लग रही है। अब मैं इसको काट कर बताती हूँ आपको कि ये कैसी बनी है, कितनी सॉफ्ट है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मैं इसे इस तरह से प्लेट में सर्व कर रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारी स्वीट जो है कितनी ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रही है, कितनी यम्मी लग रही है ये। ये देखिए इसे देखकर ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये देखिए मैंने इस तरह से एक ग्लास में इस रबड़ी को लेकर रख लिया था। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी और डालकर फिर इसे सर्व कर रही हूँ। प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को ज़रूर से इंजॉय कीजिएगा। अब बहुत